हे एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक बिहारी 07 में। और मैं प्रिंस कुमार दरभंगा बिहार से। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कुरुक्षेत्र में हूँ और अब भी मैं हूँ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास। तो हम सोचे कि आज आप लोगों को ब्रह्म सरोवर घुमाया जाए। ब्रह्म सरोवर के साथ साथ इस घाट का नाम गंधारी घाट भी कहा जाता है। और अभी हमें गंधारी घाट यानी ब्रह्म सरोवर के पास, और अभी यहाँ का व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अभी जिस फ्लोर पे हम चढ़े हुए हैं उसका बैक का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं और नीचे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग इधर से उतरे हैं और चढ़े थे वो साइड वाली जो देख रहे हैं ना, उससे हम लोग चढ़े थे। तो चलिए अब फटाफट से एंट्री होते हैं अंदर, और अंदर से जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो चलिए वहाँ का नज़ारे का मज़ा लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए हालांकि ये लॉक है जाने का, तो आगे से रास्ता है, लेकिन फिर भी चलिए इसी के नीचे से चलते हैं और आ जाइए। आ चुके हैं नीचे, और नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है और चारों तरफ से पानी से पानियों से चारों और चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ ये जगह। और सुकून, इसको बोलते हैं हम लोग सुकून। देखिए चारों तरफ का व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे एक मंदिर पानी के बीच में भी है, उस जगह पे भी हम आपको लेके चलेंगे। और ये देखिए पानी से सावधान, यहाँ पे लिखा हुआ है सावधान, फिसलने से बचें। तो हम तो स्नान वगैरह करके वहाँ से आए हुए थे, तो थोड़ा सोचे गंगा पवित्र हो जाते हैं तो हम भी पवित्र हो चुके हैं। और अभी चलिए यहाँ का सारा नज़ारा का मज़ा देते हैं आपको। और घूमने लायक यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं बाकी, हालाँकि घूमने में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे हम, क्योंकि ये देखिए यहाँ से चलते हुए एकदम पूरा ऐसे घूम करके पूरा नज़ारा है, ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ से मिलता है। तो हालांकि उतना नहीं घूम पाएंगे, लेकिन जितना हम घूमेंगे उतना आपको घुमाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए हम लोग गंगा पवित्र होने के बाद आगे के लिए निकल चुके हैं। और अभी जो पीछे आप देख रहे हैं ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जब यहाँ पे आप आओगे ना तो और भी ज़्यादा आपको प्यारे लगेंगे। हालांकि वीडियो में आप उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे हमें पता है, जब आप यहाँ आओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही सारा चीज़ अनुभव करने को मिलेगा। ये वही भूमि है जहाँ पर महाभारत हुई थी, और ये जो है वो टोटल 48 कोस में फैला हुआ है, और ये क्षेत्र भी 48 कोस के अंडर ही आता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे अब घर वर बन चुका है, तो वो जो यहाँ से जहाँ पे युद्ध हुआ था और जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया गया था वो यहाँ से मिनिमम 7 किलोमीटर के दूरी पे है। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको वो देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग ब्रह्म सरोवर घूमिए, और मज़ा तो शायद आ ही रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे भाई नया नया वीडियो को देख रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मंदिर पर ही बातों में पहुँच चुके हैं। तो चलिए मंदिर के पहले सामने चलते हैं और माथा टेकते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे की ओर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। पहली बातों बातों में ही हम पहुँच चुके हैं उस मंदिर के पास, पीछे देख सकते हैं आपको। और यहाँ का नाइट व्यू भी मेरे पास है, तो मैं आपको इसके बाद वाला जो क्लिप होगा ना उसमें नाइट व्यू भी थोड़ा सा दिखा दूंगा। मैं नाइट में भी यहाँ पर आया था, और हालाँकि नाइट में ब्लॉग हम नहीं कर पाए थे और दिन का ब्लॉग हम लोग कर रहे हैं। ये सामने वाले मंदिर में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा प्रणाम वगैरह करते हैं, सर मस्तक अपना सर झुकाते हुए आगे की ओर निकलेंगे। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आगे की ओर निकल लेंगे। फाइनली प्रभु का दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की ओर निकलने वाले हैं। उससे पहले हम आपको एक दृश्य दिखा दें। अब पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ना, इस मंदिर में बहुत ही गजब की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जिसको देखने के बाद मन की शांति डबल हो जाती है। तो अगर आप लोग यहाँ आओगे ना भाई, सच बताते हैं, मैं अभी बहुत बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, यहाँ आप आओगे तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। ये देखिए आपको एक बात और बताया था हमने, 48 कोस में फैला हुआ जो महाभारत का युद्ध हुआ था वही 48 कोस के बीच ये भी जगह है। और
बहुत सारे तो जगह पे घर वर बन ही गया है। बाकी अगले मैं तो कुछ देर पहले आपको बता ही दिया हूँ घर बन गया है, तो वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे। वो 7 किलोमीटर दूर यहाँ से वो जगह है, उस जगह पे जाने के बाद आपको सारी चीज़ें लाल मिट्टी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बगल से गंगा गुजरती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। और अभी जो पीछे देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अद्भुत मंदिर है भाई, आने के बाद सुकून डबल हो जाता है। और चलिए इसी के साथ पीछे जो आप देख रहे हैं रथ वगैरह बना हुआ आप देख नहीं पा रहे हैं, तो हालांकि वहाँ हम लोग चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा अद्भुत है भाई। डीएस कुछ कहोगे आप? कहीं कहना चाहूँगा इस मतलब कि यहाँ पे आके ना एक अलग सा फील आता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं सनातन धर्म से हूँ, मतलब कि कुछ कह नहीं सकता गाइस। यहाँ पे आने के बाद इतना ज़्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस ऐसे पावन धरती पे भी मैं कभी आ सकता हूँ। तो गाइस मैं तो आप सबको एक ही एडवाइस दूंगा कि कभी आप भी एक बार लाइफ में यहाँ पे आना। और हाँ गाइस, अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो खुल के जियो, और अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो तो ऐसे ऐतिहासिक जगह पर ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। और ये हमारे भारत में है तो ये सबसे अच्छी बात है, तो बस लाइफ में एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। तो चलिए जैसे कि डीएस ने आपको बताया एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, तो हम भी वही कहना चाहेंगे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हमारे गीता में लिखा हुआ ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे ये सब सारी जगह घूम रहे हैं। तो सारी जितना भी जगह यहाँ का है भाई, सब के सब प्यारे जगह हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस जगह पर आकर के आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारे का आनंद आप लोग लेते रहिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप धर्म को मानते हो, अगर आप प्यार करते हो अपने धर्म से, तो मैं एक ही बात कहूँगा, वीडियो स्किप करोगे तो ये सारी नज़ारे आप मिस कर जाओगे कि हाँ ये सब चीज़ भी वहाँ हुआ था। तो चलिए इसी के साथ बाहर निकलते हैं फटाफट और उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर रथ और श्री कृष्ण और कर्ण का स्टेचू बना हुआ है। तो उस जगह को हम आपको दिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट ऊपर चलते हैं, इधर से ही हम लोग आए हुए थे तो इधर से हम लोग चलेंगे। और पीछे का देखिए व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई, सच बताएं तो। आगे का ये देखिए व्यू, इसी पे हम लोग चढ़ के आए हुए थे और डीएस इधर अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। देख रहे ये है द्वार है अंदर आने के लिए, उधर भी बना हुआ है और आगे भी बना हुआ, मतलब 3-4 द्वार हैं जिससे आप एंटर अंदर हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट उस रास्ते से भी हम लोग चलेंगे। इधर से तो मंदिर का दर्शन कर लिया हमने और अब उधर वाले रास्ते पे चलेंगे, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का स्टेचू बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं और चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। हालाँकि बहुत ही प्यारा नज़ारा भाई, मतलब जितना बार बोलते हैं ना, हमको लगता है कितना बार आप लोगों को बोल दिए, आप लोग सोचते हो कि प्रिंस कितना बोलता है। देखिए फाइनली उस जगह पर आ चुके हैं और आने के लिए हमको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ के अच्छा दृश्य आएगा, इसीलिए हम ऊपर चढ़ के आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं अभी का। भाई ऊपर चढ़ने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा दृश्य दिख रहा है। देखिए ये चारों तरफ से किस तरीके से घिरा हुआ वो देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से घिरा हुआ है। और ये देखिए सामने स्टेचू जिसके बारे में हम कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे, फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद सोचे आपसे बात कर लेते हैं। और पीछे जो देख रहे हैं वही वो रथ है जिसके साथ हम लोग अभी जस्ट फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है, बहुत ज़्यादा अद्भुत नज़ारा है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक ही बात कहूँगा, कभी भी अगर कुरुक्षेत्र आएँ तो सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही नहीं थम जाएँ, रेलवे स्टेशन तो थोड़ा आगे बढ़ जाएँ और यहाँ पर आकर के इस जगह को विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर बढ़ के है ये जगह, जो आपको ऑटो वाले 20 या 30 रुपये लेंगे यहाँ पर आने का। और यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, कम से कम 8 से 9 जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ पूरा व्यू का मज़ा लीजिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। We'll be right back.
कैसा लग रहा है, ये जगह कैसा है? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, और अब यहाँ के आदमी से जानिए बहुत बढ़िया है या नहीं। तो ये इन्होंने भी बता दिया कि बहुत बढ़िया है, तो जरूर आप लोग विजिट कीजिए इस जगह को। सो फाइनली आपने पूरा जगह घूमा, हालांकि हम उतना ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर हम कवर करना चाहें तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे मिनिमम मैक्सिमम लग जाएंगे, क्योंकि आप ये चारों तरफ की जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ कहीं ना कहीं एक दो मंदिर है ही, ठीक है। तो सारे कवर हम लोग नहीं कर पाए। कभी भी आप अगर यहाँ विजिट करें तो हम तो यही बोलेंगे आप फ्री होकर के आइए और सारा जगह विजिट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।